नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के आंदोलन में अहम योगदान के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। पार्टी के लोक सांसद मनीष तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिखकर आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में तिवारी ने कहा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति उनके अविश्वसनीय प्रतिरोध से देशभक्तों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। कांग्रेस पार्टी की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। उनका कहना है कि केंद्र में बैठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता पार्टी की सरकार किसानों के पेट पर लात मारकर अपने मित्रों की जेब भर रही है। प्रियंका ने ये बात उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया भुगतान को लेकर कही। वाराणसी में दीपावली से पहले कैंट पुलिस व क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीमों ने जिले में के टॉप 10 अपराधियों को अपनी हिरासत में लिया है, जिसमें से एक के ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने इस इनामी बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कच्चा सोना बरामद किया है, जिसकी कीमत कुल 32 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरी घटना की जानकारी एसएसपी ने पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने बेटियों को चेक बांटे। साथ ही मुख्यमंत्री को इस योजना के लिए धन्यवाद भी किया। आपको बता दें कि इस योजना में जन्म से लेकर स्नातक तक की कन्याओं को 1,000 से लेकर 15,000 रुपए तक मिलेंगे। वहीं प्रभारी मंत्री राणा ने कहा कि हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर काम कर रही है। फिरोजपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहां पुलिस बीते 2 दिन से एक युवक की लाश को अस्पताल में ही रखे हुए है। दरअसल 2 दिन पहले एक युवक पर कुछ लोगों ने गोलियों से हमला कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मृतक के भाई का कहना है कि पुलिस उसके भाई की लाश का ना तो पोस्टमार्टम कर रही है और ना ही कोई कार्रवाई। उसका कहना है कि पुलिस को अगर कार्रवाई नहीं करनी है तो ना करे, लेकिन उसके भाई के शव को दे दे ताकि हम लोग उसका अंतिम संस्कार कर सके। फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दीपावली में एक अनोखी पहल देखने को मिली। दरअसल डिप्टी कमिश्नर ने दीपावली पर उपहार नहीं लेने का फैसला किया है। इसके लिए उनके द्वारा सरकारी आवास के बाहर एक नोटिस भी चिपका दिया गया है, कि जिसमें लिखा है कि दीपावली के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई, कृपया कोई गिफ्ट ना दें, आपकी शुभकामना आशीर्वाद की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के 11 विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए धन्यवाद किया। साथ ही प्रमोद तिवारी उपचुनाव को लेकर भी बोले। उन्होंने कहा, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कांग्रेस का मत लगभग 14% बढ़ा है और ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है। संबल में खेत पर काम कर रही महिला की ट्रैक्टर की कपलिंग की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महिला की साड़ी ट्रैक्टर के कपलिंग में आ गई थी, जिसे निकालने की महिला ने कोशिश भी की। इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सिद्धार्थनगर जिले में कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री स्वामी प्रमोद मौर्य ने किया। उनके साथ स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल। इस अवसर पर मंत्री ने दूर दराज से आए लाभार्थियों को चेक वितरित किए और सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि बेटियां देश का भविष्य है और इनका भविष्य उज्ज्वल बनाने की जरूरत है। और हम जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही, हम सब प्रतिशत उनको सूचित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अपने आवास कालिदास मार्ग से किया। वाराणसी के पीपर हवा घाट के पास एक 8 साल के बच्चे की दलदल में धंसने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कई दिनों से गड्ढे खुदे हुए हैं, लेकिन इसको सही कराने का कोई भी काम नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में एक ऐसी ही और हादसा हो चुका है, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इस घटना से गुस्साए लोगों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। बच्चे के